हवा में जांबाजों की कलाबाजियां देखकर हर कोई हैरान। बिलिंग में चल रही 3 दिवसीय राष्ट्रीय इंटर सर्विस पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी प्रतियोगिता में सेना के जवानों ने कलाबाजियां दिखाई। 2 दर्जन पायलटों ने आकाश में उड़ान भरी। प्रतियोगिता में भारतीय थल सेना, वायुसेना, जल सेना, BSF और असम राइफल के पायलट भाग ले रहे हैं। दूसरे दिन पायलटों के बीच कड़ी टक्कर हुई। एक यूरेसी प्रतियोगिता में लंबी दूरी की उड़ान क्रॉस कंट्री के बजाय पायलट को लैंडिंग साइट पर बने गोलाकार सर्कल में लैंड करने के अंक मिलते हैं। प्रत्येक पायलट को 3 दिन में 5 मौके मिलेंगे। अब तक अधिकांश पायलटों ने 3 से 4 मौके प्राप्त कर लिए हैं। प्रतियोगिता के अंतिम दिन शेष रही उड़ानों पर लैंड करने पर ही विजेता का निर्णय होगा। प्रतियोगिता में भारतीय थल सेना से हवलदार कुपुस्वामी, नायक आशीष, हवलदार थांगवोए, आकाश सिंह, नायक रंजीत सिंह, नायक सुनील, हवलदार रोश गुरंग, नायक प्रवीण, भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट कमांडर पंकज शर्मा, सचिन वर्मा, लेफ्टिनेंट वीके सिंह और पेटी ऑफिसर रमेश शामिल हैं। वायुसेना के सार्जेंट MK विश्वास, भास्कर शर्मा, विशाल कुमार, सुनील गौतम और अंकुर हैं।